Very good afternoon. Please introduce yourself. So first of all, my name is Kumar. मैंने अपनी ग्रेजुएशन इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है. देन मैंने पेटीएम में 2 साल वर्क किया है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव. बट वहाँ मुझे ऐसा फ्यूचर लगा नहीं अपना, तो मैंने करियर चेंज किया डिजिटल मार्केटिंग की तरह. मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लो यहाँ से, तो मैंने फिर स्किल सर्कल से कोर्स कंप्लीट किया था अपना. देन उसके बाद वहाँ पर इंटर्नशिप करी है, फिर मैंने द एड्स मीडिया में जॉब करी 7 मंथ. और वहाँ क्या दिक्कत हो गई? सर पहले मैं मामा के यहाँ साथ रहता था ना बदरपुर, तो जॉब वहाँ करता था. मैं फैमिली के साथ रहता हूँ यहाँ लक्ष्मीनगर. ओके. तो लोकेशन बहुत दूर पड़ रहा है. सेवन मंथ के बाद मैं ऐसा फील हुआ नहीं, मैं वहाँ मामा के साथ रहता था ना, तो अब गांव गए हमारे. तो फिर मैं यहाँ फैमिली के साथ रहने लग गया, फिर उन्होंने कहा यहीं पे जॉब देख लो. अभी जो जॉब कर रहे हैं उसका, उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें SEO कर रहा हूँ. थोड़ा डिटेल बताइए. ऑन पेज ऑफ पेज दोनों करते हैं वहाँ पर. क्या है कंपनी? ये द एड्स मीडिया एजेंसी है. क्या करती है ये? SEO, SMO, गूगल एड जैसी सर्विसेज देती है. तो अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ढूंढ रहे हैं सपोज दैट, तो उसको क्या क्या आना चाहिए? उसको SEO, SMM, और मेटा एड्स, गूगल एड्स, और यूट्यूब है, यूट्यूब मार्केटिंग. तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं आती? मेरे को यूट्यूब मार्केटिंग नहीं आती और गूगल एड्स. बाकी सोशल मीडिया और मेटा एड्स और SEO आता है. एक वेबसाइट को कितने दिन में रैंक करा देंगे आप? सर मिनिमम 3 मंथ का टाइम होता है. 3 मंथ में आ जाती है रैंकिंग. आने को भी सर 24 आवर्स में भी आ जाती है, लेकिन क्लाइंट को कम से कम 3 मंथ का टाइम देना पड़ता है. ठीक है. तो रैंक कराने के लिए आपको क्या चाहिए? रैंक कराने के लिए उसका ऑन पेज के लिए वर्डप्रेस का एक्सेस चाहिए उनके, ताकि ऑन पेज ऑप्टिमाइज कर सकें. ठीक है. बाकी ऑफलाइन ऑफ पेज के लिए वो बैकलिंक के लिए एक जीमेल आईडी लगेगी, ताकि हम ऑफलाइन बैकलिंक बना सकें. यूट्यूब पर कभी काम किया आपने? सर कोर्स में बस बताया था कि ऐसे प्रोफाइल बनती है, ऐसे वीडियो अपलोड होती है, वैसे कभी काम नहीं किया मैंने यूट्यूब पे. वेबसाइट डिजाइनिंग? वेबसाइट डिजाइनिंग भी सर कोर्स में सीखा था. किया नहीं है कभी मैंने. सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे कुंदन जी? सर मेरी वहाँ 15 गए थे, अभी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब इससे कम. तो अभी आप जॉब कर रहे हैं या फिर छोड़ चुके हैं? नहीं छोड़िए सर, 15 को मेरा लास्ट था. छोड़ दिया. ठीक है कुंदन जी, 2-3 दिन का भी समय लगेगा. मोस्टली सैटरडे तक विल डिसाइड. ओके सर. है ना, क्योंकि